साई जी, ये घड़ी खराब है क्या? रुक रुक के चल रही है। ना बिटिया, घड़ी तो बराबर चल रही है। पता नहीं हमें समय देखने में गलती कैसे होगी। अच्छा हम चलते हैं। अब बिटिया सुनो तो, एक दिन थोड़ा देर से पहुंचोगी तो जान से थोड़ी मार डालेंगे वो लोग। हमें दरअसल तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना। अब बिटिया वो जो तुमने उधार लिया था अपनी मालकिन से, कहीं इस महीने की तनख्वाह से कटकटा तो ना जाएंगे? अब हमें कैसे मालूम था इसे? हमने पैसे लेते समय ये सब बात थोड़ी ना की थी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, महीने के आखिरी तक पता चल जाएगा। और वैसे भी बुरे वक्त में उन लोगों ने हमारी मदद की, अभी सब पूछना अच्छा तो नहीं लगता। चलते हैं। अब रुको तो बिटिया, काहे भाग रही हो? दो मिनट तो ठहरो। अब देखो परेशान ना हो, वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम पुष्पा जी को फोन कर देंगे। हैं बिटिया, तुम उनसे तो नहीं पूछ सकती हो, पर अपने चाचा से तो पूछ सकती हो ना पैसे के बारे में। चाचा कहाँ से पैसे लाएंगे ताई जी? और हम मांगेंगे भी नहीं, मुझसे कोई पैसे मांगता है क्या? अरे इतनी फिक्र ना करो अपने चाचा की। अब ऐसे भी तुम्हारे चाचा ने क्या किया है तुम्हारे लिए जो तुम उनके लिए इतना सोचोगी? हाँ जो भी होता है जी, हम पैसे नहीं मांगेंगे वापस। कैसे समझाएं हम तुम्हें? देखो लक्ष्मी माता बनकर कुछ ना होगा इस घर में। ताई जी हमसे नहीं होगा ये सब। अरे पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अवश्य मुक्ति मिलेगी, किंतु स्वतंत्रता का कुछ मोल चुकाना पड़ता है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, किंतु माते आपने पहले ही मेरी ऐसी अवस्था बना दी है कि मुझ में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं बचा। ये कार्य तुम्हारी स्वतंत्रता निश्चित कर देगा। तो आदेश दीजिए देवी, क्या करना है? मैं अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देवी कि मुझे क्या करना है? मनुष्य रूप दोबारा धारण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए देवी। आयुष्मान भव, अपने स्वार्थ के लिए किसी असहाय जंतु को कष्ट देना पाप है। माते यदि ऐसा है तो आप इस पाप का निदान बताइए। गौ माता, हम असमर्थ हैं क्योंकि ये देवी पौलमी का कृत्य है, हम इसके बीच में नहीं आ सकते। इसे भूख लगी है, असंतोषी ने इसे खाना नहीं दिया। क्या? संतोषी पुष्पा, रिलैक्स रिलैक्स। पुष्पा कोई बात नहीं। जी मैम, संतोषी कहाँ है? वो रात को अपने घर चली गई थी, हमने कहा था उसे ठीक 9 बजे पहुंचने के लिए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगेन इस संतोषी को इस घर में हर रोज एक नया इशू क्रिएट करना होता है। आज मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगा संतोषी।
बस कर। अरे पेट में दर्द हो जाए। अच्छा अच्छा चलो ये आकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम फरमा। वैसे एक बात कहें, आज सवेरे सवेरे हमको बहुत मजा आया। संतुषिया से सारा नाश्ता बनवा लिया, वो किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा तो ये सब चालाकी इनके दिमाग से निकली है, आज इस सही सुई से इनका दिमाग सिल देते हैं। ए माधुरी, जे घड़ी का टेम सुबह तुम बदली हो ना। हाय दया जी, जी तुम कौनो सबूत ले घूम रही हो का है, जितने दावे के साथ बोल रही हो। अरे सबूत तो अभय अभय तुम्हारे ही मुँह से निकला है, ज्यादा बनने की जरूरत ना है। जे अनाप शनाप हमसे ना बाको जीत जी, और संतुष्टिया पे केवल तुम्हारा हक ना है, और सब जानते कि केवल पैसों के लिए तुमने संतुष्टिया को काम पर भेजा है। अब खुद चाहे जो काम करवा ले, हम करा तो आपस लाल जी कहीं। अच्छा तुम्हें कम लालच भरा है का, तुम तो लालच की देवी हो और अपने बेटे को भी वैसी बना दिया। ए जी जी, उड्डू के बारे में कुछ पता ना होना बता देते। हाँ कहे कहे ना कहे, वो हमारे बेटे को उठा के ले जाए और हम उसके बारे में कुछ ना कहे, जरूर कहेंगे हम, हजार बार कहेंगे। सबसे पहले बटन तो लगाओ। भाई ना दे रहा है क्या, लगा तो रहे ना, कहो तो दो बटन तुम्हारी आँखों में भी टांग देते। आजकल इन लोग की चालबाजी तुम्हें दिखाई नहीं देती है। हाँ दया जी जी, भाई साहब पे काय भड़क रही हो, हमको तो लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई। तभी तो अपनी बिटियों के कारनामे नहीं दिखे तुमको, राम जाने कैसी परवरिश की। हाँ तुमने तो फोड़ फोड़ के संस्कार भरे ना अपने बिटवा की खोपड़िया में, खबरदार जो हमारी बेटी पर उंगली उठाई तो। हाँ हे भगवान, चुप कराओ इन सबको, नहीं तो हमारा सर फट जाएगा। तुमने हमारे पेट पे सुई को दिया। ए बड़की बाबू जी, आपके कर्मों का फल हमारे बड़े भैया झेल रहे हैं। अरे पापा पापा। हाँ पापा पापा भौंक रहे हो, बोलो क्या हुआ। पापा वो सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। हम सच कह रहे हैं पापा, तो सेठ जी ने आपको सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया। ये बात बड़ा हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे, अब आया मजा। अजय वक्त तो हमें एक गाना याद आ रहा है, कहा था वो हाँ। अरे बाबा राम जी नौकरी क्या छुड़ाई, अरे पापी दोर पापी को बधाई हो बधाई, अरे वाह वाह राम जी बधाई हो बधाई, अरे वाह वाह राम जी। लगता है अभी तो सब लोग सो रहे हैं। खराब है क्या, रुक रुक के चल रही है ना बिटिया, घड़ी तो बराबर चल रही है। पता नहीं हमें समय देखते में गलती कैसे होगी। अच्छा हम चलते हैं। अब बिटिया सुनो तो, एक दिन थोड़ा देर से पहुंचोगी तो जान से थोड़ी मार डालेंगे वो लोग। हमें दरअसल तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना। अब बिटिया वो जो तुमने
उधार लिया था अपनी मालकिन से, कहीं इस महीने की तनख्वाह से कटकटा तो ना जाएंगे। अब हमें कैसे मालूम था इसे? हमने पैसे लेते समय ये सब बात हुई ना की थी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, महीने के आखिरी तक पता चल जाएगा। और वैसे भी बुरे वक्त में उन लोगों ने हमारी मदद की, अभी सब पूछना अच्छा तो नहीं लगता। चलते हैं। अब रुको तो बिटिया, काहे भाग रही हो? दो मिनट तो ठहरो, अधिक परेशान ना हो। लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम पुष्पा जी को फोन कर देंगे। हैं बिटिया, तुम उनसे तो नहीं पूछ सकती हो, पर अपने चाचा से तो पूछ सकती हो ना पैसे के बारे में। चाचा कहाँ से पैसे लाएंगे ताई जी? और हम मांगेंगे भी नहीं, मुझसे कोई पैसे मांगता है क्या? और इतनी फिक्र ना करो अपने चाचा की, अब ऐसे भी तुम्हारे चाचा ने क्या किया है तुम्हारे लिए जो तुम उनके लिए इतना सोचोगी? हाँ जो भी होता है जी, हम पैसे नहीं मांगेंगे वापस। कैसे समझाएं हम तुम्हें? देखो लक्ष्मी माता बनकर कुछ ना होगा इस घर में। ताई जी हमसे नहीं होगा ये सब। अरे पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। श्राप से मुक्त कीजिए। अवश्य मुक्ति मिलेगी, किंतु स्वतंत्रता का कुछ मोल चुकाना पड़ता है। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, किंतु माते आपने पहले ही मेरी ऐसी अवस्था बना दी है कि मुझ में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं बचा। ये कार्य तुम्हारी स्वतंत्रता निश्चित कर देगा। तो आदेश दीजिए देवी, क्या करना है? मैं अपनी मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देवी कि मुझे क्या करना है? मनुष्य रूप दोबारा धारण करने के लिए आशीर्वाद दीजिए देवी। आयुष्मान भव। अपने स्वार्थ के लिए किसी असहाय जंतु को कष्ट देना पाप है। माते यदि ऐसा है तो आप इस पाप का निदान बताइए। गौ माता, हम असमर्थ हैं क्योंकि ये देवी पौलमी का कृत्य है, हम इसके बीच में नहीं आ सकते। आई थिंक इसे भूख लगी है और संतोषी ने इसे खाना नहीं दिया। क्या? संतोषी, संतोषी, पुष्पा, रिलैक्स, रिलैक्स, पुष्पा, कोई बात नहीं। जी मैम, संतोषी कहाँ है? वो रात को अपने घर चली गई थी, हमने कहा था उसे ठीक 9 बजे पहुँचने के लिए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगेन इस संतोषी को इस घर में हर रोज एक नया इशू क्रिएट करना होता है। आज मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा के रहूंगा संतोषी। बस कर। अरे पेट में दर्द हो जाए। अच्छा अच्छा चलो यहाँ आकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम फरमा। बात करें आज सबे
तेरे सवेरे हमको बहुत मन रहा है। संतोषिया से सारा नाश्ता बनवा लिया, वो किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा तो ये सब चालाकी इनके दिमाग से निकलती है, आज इससे ही सुई से इनका दिमाग सिल देते हैं। ए माधुरी, जे घड़ी का टेम सुबह तुम बदली हो ना। हाय दया जीत जी, तुम कौन सबूत ले घूम रही हो का है, जितने दावे के साथ बोल रही हो। अरे सबूत तो अभय अभय तुम्हारे ही मुँह से निकला है, ज्यादा बनने की जरूरत ना है। जे अनाप सनाप हमसे ना बाको जीत जी, और संतोषिया पे केवल तुम्हारा हक ना है, और सब जानते कि केवल पैसों के लिए तुमने संतोषिया को काम पर भेजा है। अब खुद चाहे जो काम करवा ले, हम करा तो ऑफर लाल जी कहीं। अच्छा तुम में कम लालच भरा है का, तुम तो लालच की देवी हो और अपने बेटे को भी वैसी बना दिया। ए जी जी, बुड्ढों के बारे में कुछ पते ना होना बता देते। हाँ कहे कहे ना कहे, वो हमारे बेटे को उठा के ले जाए और हम उसके बारे में कुछ ना कहे, जरूर कहेंगे हम, हजार बार कहेंगे। सबसे पहले बटन तो लगाओ भाई। ना दे रहा है क्या, लगा तो रहे ना, कहो तो दो बटन तुम्हारी आँखों में भी टांग देते। आजकल इन की चालबाजी तुम्हें दिखाई नहीं देती है। दया जी जी, भाई साहब पे काय भड़क रही है, हमको तो लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई। तभी तो अपनी बिटियों के कारनामे नहीं दिखे तुमको, राम जाने कैसी परवरिश की है। हाँ, तुमने तो फोड़ फोड़ के संस्कार भरे ना अपने बिटवा की खोपड़िया में, खबरदार जो हमारी बेटी पर उंगली उठाई तो। हाँ हे भगवान, चुप कराओ इन सबको, नहीं तो हमारा सर फट जाएगा। तुमने हमारे बेट पे सुई को। ए बड़की बाव जी, आपके कर्मों का फल हमारे बड़े भैया झेल रहे हैं। पापा पापा। हाँ पापा पापा, भौंक रहे हो, बोलो क्या हुआ। पापा वो सेठ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। हम सच कह रहे हैं पापा, उस सेठ जी ने आपको सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया। बात बड़ा हमारे पाप और पुण्य का हिसाब कर रहे थे, अब आया मजा। अजीब वक्त तो हमें एक गाना याद आ रहा है, क्या था वो। अरे बाबा राम जी, नौकरी क्या छुड़ाई, अरे पापी दोनों पापी को बधाई हो बधाई, अरे वाह वाह राम जी बधाई हो बधाई, अरे वाह वाह राम जी। लगता है अभी तो सब लोग सो रहे हैं। ये आखिरी वाला मोती टेबल के नीचे से कैसे उठाएगी,
हे संतोषी माँ, मदद कीजिए हमारी। जय संतोषी, जय संतोषी। संतोषी अब तो गए। अब 50 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा संतोषी माता की भक्त। जय संतोषी, जय संतोषी। संतोषी, एक बार फिर तुमने अपने भक्ति की शक्ति दिखा दी। संतोषी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपनी बच्ची की रक्षा की। गई मन को शांति। संतोषी को परेशान करके आखिर तुम्हें मिला क्या? धैर्य, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ो ये सब, आप लोग भी जाइए अपने कमरों में। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा हमारी संतोषी माँ की शक्ति पर। जानते हैं, हमने ये सब आपको भरोसा दिलाने के लिए ही किया, और हमारे इस परीक्षा में हमारी संतोषी माँ हमारे साथ थी। तो बहुत खुशी हो रही ना तुम्हें तुम्हारी इस जीत पे? ना, ये जीत नहीं है हमारी, ये तो हमारी सच्चाई, हमारी श्रद्धा और हमारी संतोषी माँ की कृपा का परिणाम है। इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने। हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कृपा की वजह से हुआ है। लेकिन ये तुम्हारी संतोषी माँ की कृपा नहीं, हमारी क्रांति माँ की कृपा है। उस दिन तुम्हें क्रांति माता के दर्शन हो गए, ये उसकी वजह से हुआ है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुई। माँ भी सही कहा आपने, जीत सिर्फ और सिर्फ क्रांति माँ के आशीर्वाद से हुई, वरना ये। हेलो, हेलो संतोष से। हाँ रुकिए एक मिनट। संतोषी जी, पुष्पा जी तुम्हारे लिए कॉल है, जल्दी आओ। जी, हमारे लिए फोन किसका है और किसका होगा?
तुम्हारे घर से चाचा जी का है। लो चाचा जी का फोन यहाँ। तुम्हारे घर वाले ना कमाल है, काम पे भेज देते और फिर फोन करते रहते ताकि लड़की काम चोरी कर सके। हेलो चाचा। अरे बिटिया सब खत्म हो गया रे, हम बर्बाद हो गए रे। चाचा रो क्यों रहे, सब ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, हमारी पूरी दुनिया लुट गई है, हमारी नौकरी चली गई बेटा। क्या कैसे? उस ससुरे कल्लू ने हम पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। गुड्डू को भेजे थे 2-3 दिन की छुट्टी मांगने के लिए, लेकिन उसने हमें नौकरी से ही निकाल दिया बेटा। हमारे तो दिल धड़क रहा है, फटने को हो रहा है कि पूरा महीना कैसे चलाएंगे, भूख को मर जाएंगे बिटिया। चाचा संतोषी बिटिया जी, तुम तो इतने बड़े घर में काम करती हो, अमीर लोगों को तो हर काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, हमारा भी कुछ जुगाड़ कर दो ना। हम छोटे से छोटा काम कर लेंगे संतोषी बिटिया, हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बस नौकरी दिलवा दे। चाचा हम हमारे बात करेगी ना? देख संतोषी बिटिया, तुझे अपनी संतोषी माँ का वास्ता। हाँ चाचा हम बात करेंगे, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ बेटा जितना समय लेना है ले लो, लेकिन इतना भगत भी मत लेना। हाँ नहीं तो तुम्हारे चाचा बेरोजगारी में परेशान होकर कुछ कर ना ले। चाचा कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं, संतोषी माँ सब ठीक करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।